हेलो स्टूडेंट्स इस वीडियो में हम करेंगे हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड में कई बार आ चुके हैं ठीक है सो लेट्स स्टार्ट इन द लिस्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म गिवन बिलो दैट रिप्रोड्यूस बाय सेक्शुअल मैथड कौन कौन करता है बनाना ईस्ट और अमीबा तो इसका सही सहयोगी ऑप्शन बी है ना डॉग तो सेक्शुअल करता है देखा भी होगा आपने इन अ फ्लावर द पार्ट्स दैट प्रोड्यूस मेल एंड फीमेल गैमेट आर ठीक है अब देखो बहुत ईजी है ये एक दो तो पार्ट होते हैं एक होता है मेल पार्ट एक होता है फीमेल पार्ट एंड्रोशियम और गायनोशियम उसके बायोलॉजिकल वर्ड हैं ठीक है थीके? तो आपका सिंपल आंसर हो गया मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है एंथर और फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है ओवरी है ना स्टेमन से कंफ्यूज मत हो जाना मेल गैमेट प्रोड्यूस करता है एंथर फीमेल गैमेट प्रोड्यूस करता है ओवरी आगे बढ़ते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावर सबसे पहले पॉलिनेशन होगा फिर फर्टिलाइजेशन होगा फिर एम्ब्रियो बनेगा और फिर सीड लगाएगा तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ स्प्रिंग फॉर्मड बाई इस ए सेक्शुअल मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन हैव ग्रेटर सिमिलैरिटी अमंग दम से बिकॉज क्यों होता है ग्रेटर सिमिलैरिटी क्योंकि कोई वेरिएशन नहीं होता वेरिएशन क्यों नहीं होता क्योंकि सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व है कोई दूसरा पेरेंट होता ही नहीं है, है ना तो आपको ये चीज़ ध्यान देनी कि क्यों नहीं होता बेटा क्योंकि इन्वॉल्व ओनली वन पेरेंट डज नॉट इन्वॉल्व गैमेट तो ऑप्शन ए सही है वन एंड टू केवल कोई भी गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता और सिंगल पेरेंट होता है तो वेरिएशन मिनिमम होता है और रिजेंबलेंस मैक्सिमम इनको अपन क्लोन भी कहते हैं करेक्टरिस्टिक्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग आर प्रेजेंट इन किसमें रहते हैं जीन्स में कैरेक्टरिस्टिक्स आर ट्रांसमिटेड टू पेरेंट टू ऑफ स्प्रिंग ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन शोज ओनली सिमिलरिटी विद पेरेंट ओनली वेरिएशन विथ पेरेंट फिर कह रहा है उसके बाद ओनली बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन विथ पेरेंट हाँ बोथ सिमिलैरिटी एंड वेरिएशन देखो मम्मी पापा पर हल्कल कहते हो कुछ वेरिएशन भी आते हैं वेरिएशन क्यों आते हैं क्योंकि डी एन ए कॉपिंग होती है डी एन ए कॉपिंग एक केमिकल मेथड है कोई भी केमिकल मेथड हंड्रेड परसेंट रिलायबल नहीं होता इसीलिए जेनेटिक मटेरियल में हल्के चेंजेस है आते हैं और उन्हीं चेंजेस से वेरिएशन आते हैं अ फीचर ऑफ रिपोडक्शन डेट इज कॉमन टू अमीबा स्पायरोरा एंड ईस्ट इन सब में क्या कॉमन है बेटा अमीबा में कॉमन में है दे रिप्रोड्यूस ए क्वेश्चन नंबर एट में आता है इन स्पायरो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस बाय फ्रेगमेंटेशन से होता है तो कौन सा होता है ब्रेकिंग ऑफ फिलामेंट इन टू स्मॉलर बिट ऑप्शन ए इज द राइट आंसर एट का ठीक है नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर नाइन में द एबिलिटी ऑफ अ सेल टू डिवाइड सेवरल सेल ड्यूरिंग रिप्रोडक्शन इन प्लास मोडियम इज मल्टीपल फिशन है ना प्लास मोडी में मल्टीपल फिशन होता है एक सिस्ट बन जाता है और उस सिस्ट के अंदर मल्टीपल टाइम डिवाइड होते हैं चलो आगे द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिप्रोडक्टिव स्टेजेस सीन इन फ्लावरिंग प्लांट इज कौन सा उसमें करेक्ट स्टेज है आपको यहाँ पर बताना है ठीक सबसे पहले गैमेट बनेगा फिर गैमेट से जायगोट जायगोट से एम्ब्रियो एम्ब्रियो से सीड गैमेट मतलब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट ये जब कंबाइन करेंगे तो ये जायगोट बन जाएगा जायगोट से छोटा सा एम्ब्रियो बनेगा और फिर एम्ब्रियो से सीड निकलेगा नंबर ऑफ क्रोमोजोम पेरेंट ऑफ of ऑफ of particular स्पीशीज रिमेन्स कॉन्स्टेंट ड्यू टू बहुत अच्छा क्वेश्चन है और ये पेपर में कई बार पूछा गया इसको ध्यान से पढ़ना सुनो क्या होता है जैसे पापा के पास 46 सिक्स क्रोमोजोम है मम्मी के पास 46 है तो जब पापा का जो स्पर्म बनता है उसमें तेईस आते हैं मम्मी के एग में तेईस आते हैं फिर ये दोनों कंबाइन करते हैं वापस तेईस प्लस तेईस छियालीस तो जब स्पर्म फॉर्मेशन और एग फॉर्मेशन होता है तो हैप्लॉइड बनते हैं हाफिंग होती है तो ये दिया है ऑप्शन बी इज द राइट आंसर हाफिंग ऑफ क्रोमोजोम ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन तो हैप्लॉइड होते हैं जो स्पर्म और एग होते हैं ध्यान रखना और फिर उससे ये जो आपका फाइनली जो जाइगोड बनेगा ये डिप्लॉयड होता है क्योंकि दोनों में तेईस प्लस तेईस छियालीस हो गए इस फोर्टी सिक्स क्रोमोजोम में मतलब 23 पेयर हो गए है ना एक मम्मी का एक पापा का जिसमें 22 आपके ऑटोसोम होते हैं जो अपना बॉडी स्ट्रक्चर डिसाइड करते हैं और वन पेयर सेक्स क्रोमोसोम होता है नेक्स्ट चैप्टर अपना सेक्स डिसाइड करेगा लड़का होगी लड़की और ध्यान रखना लड़की होना पापा के हाथ में मम्मी के हाथ में नहीं है इन राइज फर्स्ट ट्यूबलर थ्रेडल स्ट्रक्चर बियरिंग पोरजिया एट देयर ट्रिप्स एट देयर ट्रिप्स आर कॉल्ड हाईफे ऐसे हाईफे का स्ट्रक्चर बनता है नीचे नीचे उस पर आपका फिलामेंट्स होते हैं और उन फिलामेंट्स पे आपके तो हाइफे का पूरा स्ट्रक्चर बन जाए ब्रेड मोल्ड देखा है ना ब्रेड देखिए ना फफूंद हरी पड़े आती है तो वो हरे हरे आपके हाइफे हैं वेजिटेटिव प्रोपोगेशन रिफर्स टू फॉर्मेशन ऑफ न्यू प्लांट फ्रॉम स्टेम रूट एंड फ्लावर नहीं होगा बेटा स्टेम रूट एंड लीफ है ना जो नॉन रिप्रोडक्टिव पार्ट है उनसे आप नया पेड़ उगाते हैं फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर रैपिड स्प्रेड ऑफ ब्रेड मोल्ड ऑन स्लाइसेज आर बड़ा अच्छा क्वेश्चन दिया कौन सा फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है चलो लार्ज नंबर ऑफ स्पोर बिल्कुल सही है और अवेलेबिलिटी ऑफ मॉइस्चर हाँ अगर ये मॉइस्चर और न्यूट्रिएंट है तभी होगा अगर एकदम ड्राई वेदर तो नहीं होगा अब ब्रेड में तो होता है मॉइस्चर न्यूट्रिएंट तो वन एंड टू आर राइट ऑप्शन सी राइट आंसर बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है लेंथ ऑफ पोलन ट्यूब डिपेंड्स ऑन द डिस्टेंस बिटवीन अगेन वेरी गुड क्वेश्चन किसके बीच का डिस्टेंस डिपेंड करेगा पोलन ग्रेन ऑन अपन सर्फेस ऑफ स्टिग्मा ये आपका स्टिग्मा होता है पोलन ग्रेन को कैच करता है

फ्लावर आर ऑलवेज बाई सेक्शुअल गलत पपाया वाटर मेलन ये सब यूनिसेक्चुअल है केवल एक ही सेक्स होता है इनके फ्लावर्स में दे आर सेक्शुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन सही बात है दे आर प्रोड्यूस्ड इन ऑल ग्रुप ऑफ प्लांट ऐसा नहीं है बहुत सारे पेड़ों में जैसे आपने नाइन्थ में नहीं पढ़ा बेटा उस चैप्टर काट गया था थैलोफाइटा ब्रायोफाइटा टेरिडो होते हैं इन सब में फूल नहीं उगते और आपके जो ये होते हैं जिम्नोस्पम इनमें भी फूल नहीं उगते नेकेड मतलब वो होता है इनका वो क्या बोलते हैं सीड होता है जिम्नोस्पर्म का है ना पाइनएप्पल ये सब एग्जाम्पल है तो हमेशा प्लांट में नहीं आता फ्लावर ठीक है तो जिम्नोस्पर्म में नहीं आता ध्यान रखना पाइन हो गया और वो कॉनिफेरस ट्री हो गया उन सब में नहीं आता आफ्टर फर्टिलाइजेशन दे गिव राइज टू फ्रूट ये सही है तो सोलह का दो और चार सही ऑप्शन डी फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर यूनीक्शुअल फ्लावर बड़ा अच्छा क्वेश्चन आ गया देखो एनसीआरटी में इतना यूनीशुअल नहीं दिया चलो देखते हैं दे बोथ स्टेमन एंड पिस्टल गलत पिस्टल हो गया फीमेल पार्ट स्टेमन हो गया मेल पार्ट तो यूनी है तो या तो स्टेमन होगा या तो पिस्टल होगा दे पजेस आयदर्स स्टेमना पिस्टल सही है या तो स्टेमिन होगा या पिस्टल होगा आयदर दे एग्जिबिट क्रॉस पॉलिनेशन बिल्कुल सही है क्रॉस पॉलिनेशन कब होता है जब एक फूल से दूसरे फूल में जाए बिल्कुल सही है फिर यूनिसेक्शुअल फ्लावर पोजिसंग ओनली स्टेमन कैन नॉट प्रोड्यूस फ्रूट ये भी बिल्कुल सही है भाई जिसमें स्टेमन है उसके पास ओवरी है ही नहीं तो जब ओवरी होगा तभी सीड बनेगा और ओवरी आपका फ्रूट बनता है तो जब ओवरी है नहीं तो कहां से बनेगा तो टू सही है थ्री सही है फोर सही है ऑप्शन डी डी नहीं सॉरी ऑप्शन बी इज द राइट आंसर अठारह विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू फॉर सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट इट रिक्वायर्स टू टाइप ऑफ गैमेट अच्छा आप यहाँ पे बताना है कौन सा सही है अच्छा मेरे साथ आप भी आंसर देते हो आप भी आंसर दोगे तो आपका थोड़ा दिमाग खुलेगा ठीक है इट रिक्वायर्स टू टाइप ऑफ गैमेट बिल्कुल सही बात है सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है दो गैमेट चाहिए फर्टिलाइजेशन इज अ कंपल्सरी इवेंट बिल्कुल सही बात है इट ऑलवेज रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ जय बिल्कुल सही बात है ऑफ स्प्रिंग फॉम्ड डा क्लोन गलत क्योंकि सेक्शुअल है तो फिर क्लोन नहीं बनेगा तो इसमें ऑप्शन सी वन टू एन थ्री फिगर एट पॉइंट वन द पार्ट्स ए बी एंड सी आर सीक्वेंशली देखो ये ए है ए ऊपर वाला पार्ट है तो ये प्लूम्यूल है फिर बी आपका कॉटिलेडन है और सी आपका रेडिकल है प्लूम्यूल होता है फ्यूचर शूट ये स्टेम बन जाएगा ये होता है फ्यूचर रूट ये आपका रूट बन जाएगा और एक ये कॉर्टिलेडन सीड लीफ होते हैं ये न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं जर्मिनेटिंग सीड को आगे बढ़ते हैं

इंटरब्रीड है ना ये स्पीशीज़ होते हैं जैसे तो हम इंसान एक स्पीशीज़ हैं है ना फिर कुत्तों की एक प्रजाति है क्या हुआ साइंटिस्ट ने एक बार ट्राई किया कि अगर हम डिफरेंट स्पीशीज़ में वो करवा दें क्रॉस ब्रीडिंग तो ऐसे गधा गधा मतलब डोंकी और घोड़ी मेयर इनका क्रॉस ब्रीडिंग कराया गया इनसे बना म्यूल जिसको अपन खच्चर बोलते हैं लेकिन जो म्यूल बना भाई गधा अलग स्पीशीज है घोड़ा अलग स्पीशीज़ है ठीक है ऑल दो मेमेल मैमल हैं दोनों बट दे आर डिफरेंट स्पीशीज इनसे म्यूल बना इसको अपन खच्चर बोलते हैं जो केदारनाथ में चलता है लेकिन खच्चर रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता ये स्टेराइल है स्टेराइल मतलब इट कैन नॉट रिप्रोड्यूस उसमें कोई भी आ, क्या बोलते हैं एग या स्पर्म प्रोड्यूस नहीं होते इसी प्रकार डोंकी और जेब्रा का प्रोड्यूस किया जेंकी एक डोंकी ले लिया मेल और फीमेल जेंकी।, जेंकी भी रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता तो सेम स्पीशीज में ही रिप्रोडक्शन होगा वैसा नहीं कि इंसान ने कर लिया सपोज डॉग के साथ या किसी के साथ तो फिर उनके बच्चे हो जाएंगे दैट इज नॉट पॉसिबल ध्यान रखना है चीज़ रिप्रोडक्शन इज एसेंशियल फॉर लिविंग ऑर्गेनिज्म इन ऑर्डर टू कीप द इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म अलाइव गलत फुलफिल देयर गलत मेंटेन गलत कंटिन्यू द स्पीशीज फ्रॉम जेनरेशन टू जेनरेशन एक बच्चे ने क्वेश्चन ही आया था एक बार पेपर में तो एक बच्चे ने आंसर लिखा था कि मतलब एन्जॉयमेंट के लिए तो ध्यान रखना रिप्रोडक्शन एंड सेक्स आर टू डिफरेंट थिंग सेक्स इज लाइक यू नो वो लेजर एक्टिविटी बट बट वेन यूर रिप्रोड्यूसिंग या प्रीप्रोडक्शन के लिए सेक्स करो विच इज़ दैट इज अ डिफरेंट थिंग ठीक है तो डोंट रिप्रोडक्शन को एकदम उसमें मतलब कि सेक्स ही है डोंट गेट इन टू इट

इंक्रीज इन हाइट डिपेंड करता है आपका ग्रोथ हार्मोन पे जो रिलीज करता है पिटूटरी तो इसमें आप ऑप्शन सी लो ठीक है वो ज़्यादा एक्यूरेट है ऑल दो हाइट भी बढ़ती है मसल्स भी गेन करते हैं वेट भी हल्का गेन होता है ना शोल्डर्स थोड़े ब्रॉड हो जाते हैं बट क्रैकिंग ऑफ वॉइस सबसे कॉमन है इन ह्यूमन फीमेल एंड इवन डेट रिफ्लेक्स ऑन सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव फेजेस चेंज इन वॉइस मींस तो आपका सही ऑप्शन है मेन्स कि भाई जहां से मैं साइकिल चालू हो गई जो आपकी डेज की साइकिल होती है तो मतलब आप में फेज आ गया इन 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 ह्यूमन मेल द द लाइज बिकॉज इट हेल्प्स प्रोसेसिंग प्रोसेस ऑफ इनमन देखो मीटिंग में तो टेस्टिस तो का कोई फंक्शन नहीं है है ना मीटिंग तो वह के थ्रू तो होती है फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म और बाहर क्यों होता है टेस्टिस क्योंकि स्पर्म बनते हैं टू डिग्री सेल्सियस लेस देन नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर तो इसीलिए टेस्टिस बाहर होता है ताकि अपना जो भी नॉर्मल नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर थर्टी सेवन पॉइंट फाइव डिग्री सेल्सियस को मानता है कहीं थर्टी एट दिया है तो इससे दो डिग्री कम इस पॉम बनता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ टेस्टिज एट प्यूबरी फॉर्मेशन ऑफ जर्म सेल सीक्रिएशन ऑफ टेस्टिस्टीरोन डेवलपमेंट ऑफ प्लेसेंटा भाई टेस्टिस में प्लेसेंटा नहीं होता फीमेल बॉडी में होता है ना टेस्टिस तो मेल बॉडी की है सीक्रिएशन ऑफ एस्ट्रोजन तो इसमें आपको ऑप्शन आएगा थ्री एंड फोर ये सब फीमेल बॉडी में होता है सी ऑप्शन द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ऑर्गन इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टम टेस्टिस से जाएगा वैस डिफरेंस है और फिर वहाँ से यूरेथ्रा तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ठीक है नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज नॉट एस देखो साइफिलिस होता है बैक्टीरिया से गोनोरिया होता है बैक्टीरिया से एच एड्स होता है वायरस से हेपेटाइटिस नहीं है। हेपेटाइटिस बी एक बीमारी है जो सेक्सुअली मतलब हेपेटाइटिस बी होती है बट हेपेटाइटिस नहीं होता ठीक है तो ये आपके ऑप्शन हो गए तो आई होप इट इज क्लियर टू यू थैंक यू फॉर वॉचिंग बाय, कीप लविंग कीप सपोर्टिंग बाय